प्रेगनेंसी की जो भी क्लासिफिकेशन यही बार हॉस्पिटल में हुई है एंड आई हैड टू डिलीवर माय बेबी एट 29 वीक्स एंड विद ओनली 1 केजी बिकॉज ऑफ ब्लड एब्सेंट ब्लड एब्सेंट इन द प्लेसेंटा सो सीजर हैज टू बी डन इन अ वेरी इमरजेंसी कंडीशन बट मेन थिंग इज दैट द हियर द स्टाफ इंक्लूडिंग डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ दे हैव टेकन अ वेरी गुड केयर ऑफ मी एंड माय चाइल्ड अदरवाइज आई वुड हैव डेफिनेटली होप what would happen because once first I saw my child in the NICU here I was like what would happen only 1 kg child and it was like kya hai it's just like a skeleton type of thing but here the staff has taken a very good care of my child I regularly came here for the KMC then they started with the NNS then they started with the and now I am my baby is discharging here after 43 days and I'm very happy he has recovered because initially he had gone through so many problems digestive problem was there he was not able to take a milk properly and his oxygen level was desaturated again and again so I am very much satisfied with the facilities here and you can say whatever facility medical facility or you can say personal on a personal level here the staff is very much you can say bahut zyada aapse personal level pe bhi bahut zyada aapko ye support karte hain so I'm very satisfied so if you want to listen I'm Rajkumar I'm baby's father ये प्रीमैच्योर बर्थ था वो मेरे कोई फैमिली में फर्स्ट ऐसा केस था एज ए फादर आई वाज लिटिल वरीड मुझे नहीं पता था कि मेरा बेबी सर्वाइव भी करेगा या नहीं करेगा बट विद इंटरेक्शन विद द डॉक्टर मिस्टर विनय कुमार रॉय उनसे इंटरेक्शन करने के बाद में हाँ लगा हाँ चलो ठीक है सारी चीजें ठीक ठाक वे में हो जाएगी एंड फाइनली माय बेबी इज गेटिंग डिस्चार्ज आफ्टर स्पेंडिंग अराउंड 42-43 डेज इन द थैंक यू सो मच मैं डॉक्टर विनय कुमार राय हूँ एंड आई एम कंसल्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ न्यूनेटोलॉजी एट मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका ये जो बेबी है हमारे पास 29 वीक्स पे आया था और इसको अर्जेंट डिलीवरी करनी पड़ी थी बिकॉज जो है यूट्राइन आर्टरी में मदर से रिवर्सल फ्लो होने लगा था सो ये बेसिकली डेंजरस साइन होता है अगर ये प्रेगनेंसी एक दो दिन अगर प्रोलॉन्ग की जाएगी तो बच्चे का इंट्राउट्राइन डेथ होने का चांस होता है सो दैट्स वाई हमें इमरजेंसी में इनका सर्जरियन सेक्शन करना पड़ा इस बेबी को कई सारे प्रॉब्लम थे एक तो कि बिकॉज ये बेबी 29 वीक्स पे हो गया था तो ऐसे बच्चे हाईली प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं इनका लंग नहीं डेवलप होता है ब्रेन नहीं डेवलप होता है और दूसरा था बिकॉज ऑफ ये रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो इन यूट्राइन आर्टरीज इसमें गट में जो है स्टेनिया होने के चांसेस होते हैं तो ऐसे बच्चों के गट परफोरेशन होने का चांसेस होता है तो ये बेबी को हमने बहुत अच्छे से मैनेज किया और इसको जब हमने फीड स्टार्ट किया तो ये फीड टॉयलेट भी नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ डिसमोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन सो धीरे धीरे हमने वन बाय वन पहले रेस्पिरेटरी को स्टेबलाइज किया फिर धीरे धीरे इस फीड के साथ टॉयलेट किया और हमने इस बच्चे को 36 वीक्स पे डिस्चार्ज किया एंड जैसे एक नॉर्मल बच्चों का जितना वेट होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 kg उतना बेबी का हो गया था एट 36 वीक्स और बच्चे को कोई भी तरह का प्रॉब्लम लाइक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या आई का प्रॉब्लम या कोई भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं था तो बेसिकली ये इंटैक्ट सर्वाइवल हम लोग कहते हैं जो हमारा गोल है यहाँ मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में इस तरह के हमारे पास कई सारे बेबी पहले भी डिस्चार्ज हुए हैं और इस वीडियो के थ्रू हम आपको ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि जब भी इस तरह की आपकी प्रेगनेंसी हो जैसे कि आपका डिलेंस डॉपलर होने लगे आपके जो है प्लासेंटा में डिसफंक्शन होने लगे रिवर्सल फ्लो होने लगे तो इस तरह के बच्चों को टर्शियरी केयर सेंटर में डिलीवर करना चाहिए जहाँ पे कि अच्छे से इसका ख्याल रखा जाए सो दैट कि बच्चे सर्वाइव भी करें और किसी भी तरह का उनको फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन या ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो